मैं सबसे पहले मेरे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत आने वाले रमजान की और आने वाली ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा रमजान आया है कि जो कोरोना में ये रमजान पे मात करने का काम हमारे को करना पड़ रहा है। कई असुविधा हुई, दिन भर उपवास रखने के बाद रोजे के टाइम आज किसी को फ्रूट नहीं मिल रहा होगा, किसी को रोजे खुलने का समय जो आता है जब जो चीज़ें की आवश्यकता होती नहीं मिलता होगा, पर आखिर हम जो कर रहे हैं अच्छे भाव से कर रहे हैं और हम इस पर भी मात करेंगे, इस पर भी हम यश प्राप्त करेंगे। और आखिर करने वाला भाई चाहे कोई बोलो मत बोलो, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, वही हमारे को इसमें से बाहर निकालेगा। खाली हमारी श्रद्धा जो है वो हमारे कायम रखो और आगे हम इस कार्य में सफल रहे, हमारा देश सफल रहे, दुनिया सफल रहे, ऐसे हम शुभकामना देते हैं। और ईद आने वाली ईद की सब मुस्लिम भाइयों को मैं मेरे तहे दिल से, मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको जो दिक्कत आई है, ये दिक्कत पे आपने उसके बावजूद भी रमजान का पाक महा आपने पूरे रोजे के साथ संभाला है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो दुनिया में COVID-19 जो चल रहा है वो अपने देश में है, अपने राज्य में है और अपने शहर में, यह भी जो आया है ये सब कुदरती करिश्मा है, वो इसको मैं कहूँगा कि शायद हमने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ या ऐसी दुनिया कभी रुक गए ऐसा सोचा नहीं था। ये पहले बार ये पीढ़ी ने इसके पिछले पीढ़ी को तो मालूम नहीं क्या देखा, पर आने वाले सभी पीढ़ियों ने ये देखा है। और लॉकडाउन का जो मसला जो है देश में जो कंट्रोल हुआ है, मैं तो ये बताऊँगा कि हमारा जो 25 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन किया है, ये लॉकडाउन अगर 4 दिन पहले डिक्लेयर करते थे, जिसमें जो बाहर के राज्य के लोग जाना चाहते थे उनको अगर सहूलत देते थे, तो ये जो असुविधा आज दिख रही है गवर्नमेंट पे, जो आज काफ़ी आर्थिक लोड आया है या समाज सेवा जो लोगों के माध्यम से चल रही है, ये अगर 4 दिन पहले 25 तारीख को जब 21 तारीख को एक दिन का जो कार्यक्रम रखा था उसमें लॉकडाउन डिक्लेयर करते थे, मुफ्त अगर जाहिर करते थे कि अपने अपने राज्यों के कामगार हो या जो आप दूसरे राज्यों में काम करते हो अपने अपने जगह पर जा सकते, तो शायद ये तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, ऐसा मुझे लगता है पहली बार। तो दूसरी बात, लॉकडाउन ये ज़रूरी था कि लोगों को एक सिस्टम लगाना जरूरी है। COVID-19 ये कोई रुकने वाली बीमारी नहीं है, जब तक इसका वैक्सीन निकलता नहीं है तब तक ये बीमारी चलने वाली है। लॉकडाउन एक अंतिम पर्याय नहीं, मगर हमारे सिस्टम में हमने कैसा जीना चाहिए, कौन से सिस्टम में जीना चाहिए, एक बार लोगों में ये आदत जुड़ना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी था। और ये लॉकडाउन की वजह से अपने देश में, जो बाकी के कंट्री में हम देखते हैं, अमेरिका में जाओ आप, इटली में जाओ, वहाँ के जो प्रमाण है अपने देश का प्रमाण है, इसमें काफ़ी तफावत है। उसका रीज़न ये है कि हमने लॉकडाउन सही समय पे डिक्लेयर किया। इसमें कई जो जब डिक्लेयर COVID-19 जब आया था, इसकी जब हमारे देश में भी इसकी खबर है ना, हमारे देश में 1 मार्च से चालू हुआ या फरवरी से चालू हुआ, ये अगर हम बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट ये तभी रुकाते थे, बाहर से आने वाली हमने बंद करते थे, शायद इतना प्रमाण हमारे देश में नहीं बढ़ता था। पर ठीक है, समय किसी को पूछ के नहीं आता है। आज जो लॉकडाउन 3 दिन के वास्ते वापस डिक्लेयर किया, अभी वापस 3 दिन के वास्ते डिक्लेयर किया, ये लॉकडाउन तो जरूरी था कि काफ़ी प्रमाण औरंगाबाद शहर में बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा प्रमाण में, क्योंकि हम एक देख रहे लॉकडाउन तो सिस्टम पुलिस यंत्रणा पूरी ताकत से काम कर रही है। आज कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, ये सब ताकत से काम कर रहे हैं, इन पर तो कोई ब्लेम कर ही नहीं सकता है कि इनकी सेवा जो है, जहाँ पेशेंट डिटेक्ट होता है वहाँ सबसे पहले कॉरपोरेशन के लोग जाने के पहले पुलिस डिपार्टमेंट पूछ रहा है, ये हमने देखा है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहाँ इमिजिएटली पूछ रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन के माध्यम से जो कार्य चल रहा है, आपस में अगर इनका समयता रहती थी, समय सूचकता और आपस में मतभेद न रहते हुए अगर काम करते थे, तो शायद हम औरंगाबाद में भी काफ़ी प्रमाण में कंट्रोल कर सकते थे। जहाँ नहीं मिल रहे लोग, जहाँ आपस में इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, वहाँ ये प्रमाण कम है।
पंजाब सोशल डिस्टेंसिंग आज भी नहीं इतनी होने के बावजूद भी अभी भी लोग, मैं ये देखता हूँ कि कई गलियों में जब हम कुछ भीड़ बांटने जाते हैं तो एक ध्यान में आता है कि ग्रुप के ग्रुप जत्ते के जत्ते एक साथ ही वहाँ टूट के पड़ते हैं। ये जो चीज़ है ये अभी भी कुछ बस्तियों में, ये अभी लोगों में ज़रूरी है कि उसमें दुरुस्त होना चाहिए। और जो किसी की भावना अगर होंगी कि रमजान के कारण से लॉकडाउन किया है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि औरंगाबाद की परिस्थिति बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ चुकी थी, इसलिए सिस्टम को कंट्रोल करने के वास्ते लॉकडाउन होना जरूरी था। पर लॉकडाउन होने के पहले इमरजेंसी में जो लॉकडाउन लगाया गया, जो रात को 12 बजे के बाद लॉकडाउन लगा, 8 बजे उसका सर्कुलेशन निकला है, तो काफ़ी लोगों में दुविधा तैयार हो गई कि भाई अगर ये चीज़ अगर पहले डिक्लेयर करते थे, 3 दिन का पहले हुआ, 3 दिन के बाद हर 3 दिन का दिया है, 6 दिन की कोई चीज़ आम इंसान घर में नहीं रखता है, वो समय समय पे लेता है और समय समय पे काम करता है। जब रमजान का माह चल रहा है, आज फ्रूट की आवश्यकता है, रोजे खोलने के वास्ते फ्रूट की जरूरत होती है, खजूर की जरूरत होती है, कुछ साहित्य खाने के वास्ते डेली जो फ्रेश साहित्य रहता है वो लाना पड़ता है, ये लोगों में ये दिक्कत आने लगी, इसलिए लोगों में घर समझ हुआ है। ये अगर प्री इंटीमेशन अगर होता था शायद हो सकता था, लोग आपस में कंट्रोल कर सकते थे, पर ठीक है अभी 6-8 दिन का मसला जो है, क्योंकि इतना बड़े प्रमाण में औरंगाबाद में पहले 8 दिन के बाद डबल हुआ, अभी 4 दिन में अपना डबल हो रहा है, ये प्रमाण को देखते हुए लॉकडाउन की आवश्यकता थी ऐसे मुझे लगता है। और मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा और नम्र निवेदन करूँगा कि ये संकट जो है, ये संकट को सबको मिल के ताकत से इसको अपने को भगाना है, इस पर कोई जात पात का इशू नहीं, कोई अगर जातिवादी बात करता होगा तो मैं उस चीज़ के खिलाफ, क्योंकि हर इंसान इंसान है, हर इंसान किसी को पूछ के ये बीमारी आने वाली नहीं है, चाहे जो मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, ये किसी को पूछ के आने वाली बीमार नहीं, जो संपर्क में आएगा उसको बीमारी आने वाली। इसमें एक ही है कि आने वाले समय में भी ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है, लॉकडाउन आज है कल नहीं रहेंगे, अपन ये बीमारी साथ जीने की आदत हमारे डालना पड़ेगी।